अच्छा जी, हमारे देश में दो चीजों का बड़ा क्रेज है, एक क्रिकेट और दूसरा फिल्में। और क्रिकेट का आलम तो ये है कि अगर कोई प्लेयर किसी मैच में आउट हो जाए जनता उदास हो जाती है, और अगर कोई प्लेयर किसी शो में से आउट हो जाए तो भी जनता उदास हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। नहीं होती। नहीं होता है, तुझे ज्यादा होता है। अच्छा, आजकल तो क्रिकेट खेलने के लिए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, इतना अच्छा सामान आ गया है, पैड्स, ग्लव्स, ये वो सब। पहले आदमी को बेचारे पास कुछ होता नहीं था, बचा के खेलना पड़ता था। अगर कोई तेज बॉल कर रहा है ना तो आदमी पहले अपने हाथ पैर बचाता था, यही करता रहता था आदमी। और कई बॉलर बड़ा डराते हैं, पता, आके बॉल करके ऐसे डराते जैसे कंचे खेल रहे हैं, तो ऐसे एम करते थे ना, तो आदमी सबसे जरूरी अंग बचाता था पहले अपना कि भाई हमें नहीं, ये ए, ए, दिनेश नहीं अपना। एक बार इसको मैंने कहा बैट्समैन जो भी करे तूने अपील करनी है। अच्छा। इसको पता नहीं अपील कैसे करते हैं। मैंने बॉल की, उसने शॉट मारी, कहता अपील। अच्छा, नॉर्मली क्रिकेट के रूल्स जो आईसीसी बनाती है, हम जहाँ खेलते थे वो एमसीसी बनाती थी। एमसीसी क्या? मोहल्ला क्रिकेट कमेटी। मतलब जिसका बैट है वो कैप्टन। अच्छा, बैटिंग पहले वो करेगा। जिसकी बॉल है वो बॉलिंग फर्स्ट करेगा। जिसके वो विकेट वगैरह हैं वो मतलब वो आसपास ही रहेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। फिर जैसे दिनेश का कुछ नहीं हो, ये वक्त देता था सिर्फ, और वक्त तो सबके पास ही होता था, तो इसकी ड्यूटी लगती थी नाली के पास। जब गेंद वहां पे जाती थी, नाली से उठा के यही लाता था। और उसको साफ भी कैसे करते थे? कैसे? तो सीधा सा अपना, पूरे मोहल्ले वाले इस बात से एग्री करेंगे, जो भी मोहल्ला क्रिकेट वाले, उसको 3 बार बाउंस करो, ठक ठक ठक। हम मान लेते थे कि ये साफ है। अच्छा, डायरेक्ट अगर दीवार पे लगी तो 6 रन, अगर दीवार के उस पार चली गई तो आउट। आउट। हाँ, और सिर्फ आउट ही नहीं, लेके भी वही आएगा जिसने मारी है। मुंबई में तो और भी प्रॉब्लम है जगह की, पता आपको? पता, मॉल्स में चले जाओ आप, वो नेट लगा होता है, और वहां पे कोई नहीं, आप घर से जाओ, खाली हाथ बैट आपको दे देते हैं, और सामने एक मशीन लगी होती है ऐसे करके, वो बॉल थूकती है। आपने वो मतलब आप उसको बोल नहीं सकते कि रुको, जैसे कभी कभी प्लेयर बोलते ना कि 1 सेकंड वेट, आप उसको नहीं बोल, वो आपको लगातार मारना पड़ता है। ये होता है, 100 रुपए में 6 बार थूकती है। अच्छा, कई बार तो रूल्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि पड़ोस में कौन रहता है। मतलब मान लो बगल में कोई गुप्ता जी रहते हैं खड़ूस, अगर उनके घर में बॉल चली गई तो मैच रद्द, प्लेयर गायब। क्योंकि सबको पता है बॉल तो मिलेगी नहीं, ऊपर से गुप्ता जी गालियां देते हो बाहर, आओ किने मारा कौन है, तो उनको पता है कि छोड़ो पर मैच रद्द हो जाता था। अच्छा, क्रिकेट पे जितनी भी बातें कर ली जाए कम है, लेकिन मजा तो तब है जब ये बातें देश के पॉपुलर क्रिकेटर्स के साथ की जाए। आज यहाँ कुछ ऐसे यंग क्रिकेटर्स आने वाले हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय से क्रिकेट जगत में धूम मचाई हुई है, तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स, द वेरी टैलेंटेड अक्षर पटेल, नीतीश राणा, रवि बिश्नोई और राहुल टेवतिया। अक्षर, नीतीश, रवि और राहुल के लिए जोरदार तालियां। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। और आपको आईपीएल में आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू रूपा जी। और इस बात की भी बधाई कि बिना चीयर लीडर के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने। नहीं होता, एक मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए होता है ना। जैसे हमारे सामने अर्चना जी ना बैठी हो। अच्छा। तो हम इतना अच्छा नहीं कर पाते। और अगर अर्चना जी के सामने हम ना हो, इनका तो फिर कुछ भी नहीं होता। पर जोक सपाट, आपने आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपको भरोसा था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद डायरेक्ट आपको द कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा? बेस का जवाब मैं देता हूं। जी। मैं स्टार्टिंग से ये शो देख रहा हूं, 2016 में शायद स्टार्ट हुआ था हमारा, मतलब 2-3 बार स्टार्ट हुआ है, मतलब उस दोनों तीनों बार मैंने देखी आपने। आपने वो वाला देखा जो सोनी पे स्टार्ट हुआ? नहीं नहीं, सारे देखे हैं भैया। मैं तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था बचपन से, क्योंकि आप कहोगे कि अभी बचपन में ये। नहीं नहीं, बचपन में मैं आपको मौका ही नहीं देना चाहता, आप मेरी खिंचाई करो। पर हाँ, वैसे 2013 में शुरू हुआ था। हाँ जी। फिर बंद बंद हो गए, 2016 में दोबारा हुआ। हाँ जी। फिर बंद बंद हो गए, 2018 में दोबारा हुआ, तो हमारा होता रहता है। तो भैया मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, मैं बोल ही देता हूँ, तो मैं बचपन से ही शो देख रहा हूँ, और मेरे को हमेशा से ये था कि मैं शायद कभी ऐसा प्लेयर या ऐसा कोई नाम या कोई फेस ऐसा बन जाऊँ कि मैं इस शो पे आ जाऊँ, और आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस शो पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर आप हमारा प्राइड है, आप हमारे आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और
जाहिर सी बात है अभी तो शुरुआत है, आगे चल के बहुत बड़े ऑलरेडी ये बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं और आगे चल के आप और बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। थैंक यू। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक आपकी अचीवमेंट्स के लिए। आपको पता आप इतने यंग हैं, अभी तक महेंद्र सिंह धोनी और सचिन सर को मौका नहीं मिला हमारे शो में आने का। प्लीज प्लीज वेलकम, आइए बैठिए। अच्छा, हमने आप सबको ही डायरेक्ट टीवी पे खेलते हुए देखा है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? अक्षर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मेरी अंडर 14 में शुरुआत हुई, जब मोहल्ले में सब खेलते थे तो। अच्छा। और फिर बीच में ऐसा हुआ कि या तो पढ़ाई करनी है या तो क्रिकेट खेलना है। तो एक्चुअली मुझे क्रिकेट नहीं खेलना था। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई करना चाहता था, मुझे इंजीनियर बनना था, क्योंकि कजिन मेरा मास्टर डिग्री लेके बैठा था, मैं हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं उससे बड़ी डिग्री करूँगा, मैं मास्टर से पीएचडी करूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ूंगा, तो मेरा पहले से फोकस उसमें था। लेकिन मैंने तो सुना तुम फुटबॉल खेलते थे, फिर छोड़ा क्यों? नहीं, कभी नहीं खेलते थे। आप अपना क्रेस्ट करवाओ। ये कजन लोग कई कई बार ना बड़ा मिसगाइड करते हैं। मैं भी एक दो कजन को देख के ना हो गया, मतलब कि मैं कहा यार ये करना है वो करना है, पर हाँ होता है ना कि आप जब बचपन में हैं, आप बड़ा भाई क्या कर रहा है, ताऊ का बेटा वो क्या कर रहा है, तो आदमी करता है वैसी चीजें। तो उसके फिर जब ग्राउंड में जाता था मैं प्रैक्टिस करने, तो डैड के फ्रेंड्स थे वो सेक्रेटरी और वो लोग, तो वो कह रहे नहीं तेरा लड़का अच्छा खेल रहा है तो उसको उसमें भेज सकता है, लेकिन मैं बोला नहीं मुझे नहीं जाना है। अच्छा। लेकिन एक टाइम आया कि या तो फिर मुझे क्रिकेट या पढ़ाई से एक चीज करनी थी, लेकिन डैड ने बोला कि अगर तू क्रिकेट में जाते अगर कुछ नहीं कर पाया, तुझे ऐसा नहीं लगेगा तूने लाइफ में कुछ नहीं किया, मैं खिलाऊंगा मैं पिलाऊंगा, तुझे ऐसा कभी मैं महसूस नहीं होने दूंगा कि तूने गलत डिसीजन लिया। मिनिमम गारंटी लेके आपने खेलना शुरू किया। मतलब कि पापा आप हो ना फिर देख लोगे, चलो ठीक है। और होता गारंटी तो चाहिए कि यार लाइफ में क्या करेंगे, गुजराती है ना ये गारंटी पहले मांगते हैं। नीतीश आपकी शुरुआत कहाँ से हुई फिर? भैया मेरी शुरुआत गली बोलने से ही हुई थी। और मुझे लग नहीं रहा मैं किसी क्रिकेटर से बात कर रहा हूँ, ये तो पहले हीरो लग रहा है। स्टाइल वाइज देखा ना पूरे स्टार्ट। अच्छा, तो गली मोहल्ले से ही स्टार्ट हुआ था भैया, बट मैं पहले बचपन में बहुत मोटा था और प्रॉपर हैवी था। अच्छा। तो मेरे चाचा का बैकग्राउंड है क्रिकेट, वो खेले हुए हैं काफी दिल्ली के लिए। अच्छा जी। तो मेरे पापा ने चाचा से पूछा कि भाई ये मोटा होता जा रहा है क्या करना है इसका, ऐसे तो ये दुकान पे बिठाना पड़ेगा। अच्छा। तो अब चाचा ने बोला कि एक काम करते हैं, मेरे दोस्त है एक वो कोचिंग कराता है उसके यहाँ भेजते हैं इसको, और उसको मैं बोलूंगा बैटिंग ना कराए बॉलिंग ना कराए सिर्फ भगाए इसको। अच्छा। तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ था, मैं बैटिंग कराते ही नहीं थे वो लोग, मतलब एक डेढ़ महीना भगाते रहते थे मुझे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, वेट लूज नहीं हुआ, बट मेरा इंटरेस्ट बैटिंग में बढ़ गया। फिर एक दिन मिल गई हफ्ते में, दो हफ्ते में एक दिन मिल गई बैटिंग, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डेवलप होता गया मेरा इंटरेस्ट। फिर पापा मेरे टीचर हैं और मेरे पापा ने कभी मुझे पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला, तो आज अगर मैं जिस लेवल पे भी खेल रहा हूँ मेरे पापा की वजह से, क्योंकि पापा क्योंकि आपको पता है हमारा क्या कहते हैं सोसाइटी कैसे, मतलब रिश्तेदार कैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में मत भेजो, ये है पढ़ाई कराई कराओ, कल को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये वो, कि उन्होंने जो चीज़ सुनी है उस टाइम वो मैं ऑन स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो आज भी मेरे को कहीं ना कहीं याद है, तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पापा। वो जो रिश्तेदार होते थे जो बोलते थे कि अरे ये क्या कर रहा है कुछ नहीं करेगा ये वो, फिर वो मिलते हैं अभी आपसे? अब मैं नहीं मिलता भैया उनको। वो तो चाहते हैं कि मैं मिलूं उनसे। रवि आप स्कूल नहीं गए आज? सबसे छोटा है। सॉरी यार, थोड़े जो छोटे होते हैं ना सबकी थोड़ी खिंचाई तो करते हैं प्यार से। बिल्कुल। आपने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ खेलते थे? मैंने भी जैसे घर से स्टार्ट किया था, मेरे घर के पास आरटीओ ऑफिस होता जहाँ लाइसेंस बनते हैं, तो उसमें वो मेरे घर के बिल्कुल नजदीक ही था, तो उधर सब सैटरडे संडे को खेलते थे, तो उधर जाके खेलता था। फिर मेरे उधर के जो दोस्त थे वो एकेडमी जाना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा यार ये क्या होता है मैं भी जाता हूँ, क्योंकि कभी लेदर बॉल मैंने भी नहीं देखी, तो उनके साथ गया। मैंने एज ए स्टार्ट मीडियम पेसर किया था, क्योंकि टेनिस बॉल में सब मीडियम पेस ही फेंकते हैं। फिर मैं उधर जाके फेंका तो ऐसा इफेक्टिव नहीं था कि मैं तेज बॉलिंग कर सकता हूँ। अच्छा। तो फिर जो मैं कोचेज हैं उन्होंने कहा, मैं खड़े खड़े लेग स्पिन फेंक रहा था, तो उन्होंने कहा तू ये ट्राई कर क्या पता इसमें तेरे को अच्छा लगे या फिर तू कर सकता है, तो वहाँ से मैंने लेग स्पिन स्टार्ट की और वहाँ से आज तक मैं लेग स्पिन फेंक रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मेरे कोचेज ने, जो प्रदीप भैया हैं शाहरुख भैया, तो मुझे नहीं लगता अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे होता। और राहुल आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं गांव में रहते थे हम पहले फरीदाबाद में ही। अच्छा। तो
तो वहाँ पे मेरे गांव में हॉकी खेली जाती थी, हॉकी अच्छा। और पहलवान निकलते थे गांव से, पर मेरा हॉकी में कभी इंटरेस्ट बना ही नहीं। तो मेरा क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट बना था कि वो गली के बड़े बच्चे पार्क में खेलने जाते थे, अब गांव से निकल के पार्क में खेले, हरी घास दिखे, हमारे लिए ऐसा होता था कहाँ आ गए हम, वो घास देख के, हरी भरी घास देख के। तो वहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता था, और उनके पास जब प्लेयर नहीं होता था कोई तो मुझे लेफ्टी बैटिंग में करता था, और लेग साइड छोटी होती थी लेफ्टी के लिए, तो वो मुझे खिलाते थे, तो मैं एक दो छक्के मार देता था वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने घर आके बोला मेरे पापा को कि ये बैटिंग बहुत अच्छी करता है, यहाँ पे इसको किसी ट्रेनिंग सेंटर में डलवाओ। तो मेरे चाचा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हॉकी प्लेयर थे वो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक अकेडमी में एडमिशन दिलाया, फिर वहाँ पे एक साल तो टेनिस बॉल से खेलते रहे, क्योंकि लेदर बॉल से तो मुझे देखने में डर लगता था। अच्छा। तो फिर कोच ने लगती बड़ी जोर से ना, मतलब मैं सेकंड क्लास में था तब तो उंगलियां टूटती थी। तो हाँ जी, तो फिर एक साल बाद मेरे को लेदर बॉल से खेलना स्टार्ट करवाया, तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी गाँव से निकल के। और फैमिली ने तो हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के कि किसी उस गांव से, मैं पहला क्रिकेटर हूं जो गांव में आईपीएल खेल रहा हूं, और मतलब क्या बात, स्टेज पे आया हूं। बेसिकली फैमिली का, माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब, जैसे आपने बताया कि इतनी छोटी उम्र में आप खेलते थे, तो उस समय बच्चे को तो पता नहीं होता, वो तो शौक के लिए खेल रहा है, उसको मज़ा आ रहा है खेलने में, लेकिन अगर आप उसको परख लेते हैं, आप देख लेते हैं, या कोई आके आपको बताता है, तो उसको इनकरेज ज़रूर करें, हो सकता कल को आपका बच्चा भी ऐसे इन लोगों की तरह बड़े प्लेयर बन जाए। सो प्राउड ऑफ यू गाइस। अच्छा, आपने भी एमसीसी के अंडर खेला होगा, मोहल्ला क्रिकेट कमेटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके फिर क्या क्या रूल्स होते थे? मेरा एक रूल था भैया, क्योंकि बैट मेरा था तो मैं आउट हुआ तो मम्मी घर बुला लेती थी। मेरा ये था, क्योंकि चाचा खेलते थे तो बैट वगैरह घर पे होते ही थे, तो मेरा ये रूल था कि मैं तीन बारी लेता था भैया, तीन बार बैटिंग, तभी मैं बैट्समैन बन गया, क्योंकि मैं बचपन से बैटिंग करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे यहाँ तो बाहर जाना, जैसे आउट रखते थे, मैं पहले वो खत्म करवाता था, क्योंकि मैं पहली बॉल ही बाहर मारता था, मैंने कहा बाहर जाना छक्का है, आउट नहीं है। तो अक्सर आप अक्सर कहाँ खेलते थे? अक्सर हम गली में खेलते थे, हमारे उधर तो मैं छोटे ग्राउंड में खेलता, कि घर में जाए तो आउट। छोटा गांव मतलब क्या, चार घरों का गांव? एक घर में खेलते थे, और जो कंपाउंड होता है उसमें खेलते थे, तो वो कंपाउंड में बाहर दीवार कूद गई तो आउट है, इधर शीशे पे मारा तो आउट है, तो वो सब करता, और मैं लंबा था तो मेरी टांगे पहुंच जाती थी, तो मैं डिफेंस कर लेता था। मैंने बोला जो ज्यादा बॉल खेलेगा वो पहली बैटिंग करेगा, तो मैं ज्यादा खेलता, उन लोगों को एक बॉल में आउट करके फिर वापस मैं खेल लेता था, तो बैटिंग ज्यादा मिल जाती थी। देख लो, हमारे देश में सबने वो एमसीसी के अंडर खेला हुआ। रवि, आप भी खेलते थे? बिल्कुल। बचपन में क्या, अभी बचपन ही आपका चल रहा है, लाइसेंस बन गया आपका? आपको तो आरटीओ बगल में ही था घर में। अभी बनाया नहीं है, बना अभी भी नहीं बना? नहीं नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते अभी? नहीं, अभी नहीं चला रहा गाड़ी। तो जो पैसे कमाए वो कहाँ रखे फिर? बैंक अभी रखे? अच्छी बात है, सेविंग बहुत जरूरी है। हाँ, खर्च नहीं ज्यादा, पैसे इंस्टॉलमेंट आई नहीं, अभी आई नहीं, तीसरी वाली है। अच्छा अक्षर, ऐसा जरूर होता ना कि हम जब क्रिकेट, जैसे आप सब क्रिकेटर्स हैं, कोई ना कोई तो एक आपका आइडल होता है कि यार मैं उसको देखा और मुझे लगा कि यार मुझे बॉलर बनना है या बैट्समैन बनना है। आपका आइडल कौन था? यूवी पाजी। यूवी पाजी। हाँ। अच्छा, क्योंकि वो जैसे खेलते थे, चौके छक्के मारते थे, बॉलिंग भी करते थे, तो बचपन से उनको देख के बड़ा हुआ हूँ, तो और वो जैसे लेफ्टी जैसे बैटिंग करता है तो मुझे देखने में बहुत ही मजा आता है, और मैं भी लेफ्टी था तो फिर उनको मैं फॉलो करता गया, और फिर जब मैं पंजाब में था और वो भी पंजाब की टीम में थे, तो आई थिंक वो दिन मैं भूल ही नहीं सकता कि वो सामने थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अच्छा। पाजी से बात नहीं कर पा रहा था, मैच खत्म होते तो मिलते हैं, तो मैं उनके साथ ऐसे आसपास घूम रहा था, तो मुझे एक अवार्ड मिलना था, तो वो भी मैन ऑफ द मैच थे, तो मैं उधर खड़ा था, तो उन्हें बोला भाई बहुत शर्मा रहा है, क्या कर रहा है, बात, मैं भी इंसान ही हूँ, बात कर सकता है मेरे से। अच्छा। तो ऐसे बात हुई, तो फिर वहीं से मैं थोड़ा खुल गया, और फिर व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ यूवी पाजी। लव यू यूवी पा। तो फिर नितिश, फेवरेट आपका कौन था? भैया जब मैं फर्स्ट टाइम एकेडमी गया था, पापा जब लेके गए थे, चाचा ने जहाँ भेजा था, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम गौतम भैया देखे थे। अच्छा। तो और मैं बहुत छोटा था, मेरे को पता नहीं था वो कौन है, मैं सर के सामने खड़ा हुआ था और सर के साइड में गौतम भैया बैठे हुए थे। गौतम उस समय भी गंभीर ही बैठे हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल गंभीर। तो हुआ क्या, मैं पहचान नहीं पाया, तो जैसे हम, अरे वो थोड़े शांत किस्म के हैं, तो मैं जैसी वापस जाने लगा तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा,
कि तेरे को दिखा नहीं वहाँ इंडिया प्लेयर बैठा हुआ है, तूने पैर नहीं छुए, ये वो। तो मैंने कहा कौन बैठे हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि वो गौतम गंभीर बैठे हुए थे उधर, तूने तेरे से पैर नहीं छुए। उन्होंने बहुत डांटा मुझे। तो उसके बाद से मैं जब से मतलब फर्स्ट डे के बाद से मैं जब तक उनको देखता आया हूँ हमेशा उनको ही देखा, क्योंकि हम दोनों सेम मतलब मैं उनके क्लब से हूँ। तो ऐसे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर आज लोग बोलते हैं कि मैं स्पिन अच्छी खेलता हूँ तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे नीतीश ने बताया ना कि मैं पता नहीं था कि गौतम गंभीर कौन है। तो यूवी पाने जब ना यूवी कैन के लिए ऑक्शन था लंदन में, तो मुझे भी इनवाइट किया, मैं साथ में मम्मी को ले गया। हम दोनों पहली बार लंदन गए थे, तो जिस बैंक्वेट हॉल में लंदन में हो रहा था ऑक्शन, तो अंधेरा था थोड़ा, तो मम्मी बैठी हुई थी युवराज पाजी की मम्मी के साथ, सारी क्रिकेट टीम आई ना, तो पहले तो धोनी आए। मैं कहा पाजी कैसे ये हो गए थे, मैं मम्मी भी आई हुई हैं। तो धोनी ने मम्मी के पाँव छुए, तो मम्मी तो बेचारी को पता नहीं क्रिकेट का, मम्मी कहती हाँ जी बेटे क्या नाम है आपका। वो कहते जी महेंद्र सिंह धोनी। तो मेरे साथ मेरा एक बॉय गया था, मम्मी कहती अच्छा अच्छा ऐ साडे मुंडे दा नाम ही महेंद्र है। अच्छा उसके बाद एक और सुनो, अब मम्मी को क्रिकेट का नहीं पता है, लेकिन सचिन सर का नाम सबने सुना होता है ना। तो सचिन सर आए, मैं कहा और सर खरे रे कैसे हो आप ये वो। मैं कहा बस ठीक है सर, ऐसे ही बस मम्मी के साथ हम आए हुए। मम्मी कहाँ है? मैं कहा वहाँ बैठी हुई हैं। सचिन सर गए, मम्मी के पैर छुए, मम्मी कहती अच्छा बेटा गॉड ब्लेस यू। तो मैं वो आ गए वापस, मैं कहा मम्मी सचिन तेंदुलकर मिलने आया था आपको, मैं कहती अच्छा अच्छा कहाँ है? मैं कहा मम्मी अभी तो मिल के गए। मेरे को वैसे किस्सा याद आ गया यार, योर मॉम इज लेजेंड लेजेंड। तो फिर रवि कैसे, फिर आपका कौन फेवरेट रहा है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले, वाह जी। और अभी मैं फॉर्चुनेट भी हूँ कि वो पंजाब के भी कोच थे। अच्छा। क्योंकि बचपन से मैं भी उनको ही देखता आया हूँ, वो भी एक लेग स्पिनर रह चुके हैं, तो उनको आइडलाइज करता था मैं बचपन से, उनके वीडियो देखता था, तो उनको ही आइडल मानता हूँ। अब नहीं देखते, अब सीख लिया सब कुछ? नहीं नहीं, अभी भी सीख ही रहा था मैं उनसे। अभी तो और कुछ ज्यादा सीखने को मिला। राहुल आप किसको ज्यादा प्यार करते हो इंडियन क्रिकेट टीम में, किसको देख के? मैं युवराज सिंह को देखता था, यूवी पाको, क्योंकि मैं बैटिंग में उन्हें बहुत ज्यादा अपना आइडल मानता था, क्योंकि वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर थे, तो मुझे भी थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद था। अच्छा। शुरू से ही। हाँ, तो हरियाणा वालों को तो अटैक करना बड़ा अच्छा लगता है। वीरू पाजी भी ऐसे ही हैं। हाँ जी, तो मैं यूवी पाको देखता था, और बॉलिंग में मैं शेन वॉन को देखता था बहुत ज्यादा। अच्छा जी। उनकी वीडियोस देखता था, उनकी बॉलिंग, मतलब मैं उनकी तरह बॉल स्पिन कराना चाहता था, करा नहीं पाता, पर मैं चाहता था कि मैं उनकी तरह स्पिन कराऊं, तो वो एक इन दोनों को देख के मैं काफी इंस्पायर हुआ हूं। हाँ जी, क्या बात। नीतीश के बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कृष्णा अभिषेक हैं, ये उनके जीजाजी भी हैं। हाँ, उनकी कजन सिस्टर से इनकी शादी हुई है, और वो भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, मुझे एक बात पता चली कि आपके दोस्त जो है वो आपको नोटी राणा कह के बुलाते हैं, तो ये जब से आपने मतलब शादी की है कृष्णा की कजन से, तब से बुलाना शुरू किया नोटी राणा आपको? बड़ी कौन से दोस्त हैं भैया, मेरे को भी जानना है। अरे पर बुलाते हैं ऐसा? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं, मतलब हाँ हो सकता है एक दो बुलाते हूँ, अगर आपको खबर पहुंची है तो होता होगा, शायद पीठ पीछे बुलाते हो, शायद सामने ना बुलाते हो, है ना? सामने तो बहुत कुछ बुलाते हैं मैं बता ही नहीं सकता। तो पीठ पीछे नॉटी ठीक है, नॉटी ठीक है। पर आप कैसे मिले फिर, मतलब अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज हुई? नहीं नहीं सर, लव मैरिज तो नहीं। नहीं तो इतना मुझे लगा, नहीं नहीं मुझे लगा कुछ उल्टा है। नहीं नहीं सर, अरेंज मैरिज नहीं, नहीं लव मैरिज, मतलब अरेंज हो ही नहीं सकती थी, है ना? बंदा मतलब मेरी नजर में नहीं हो सकती थी सर। मैं मतलब चाहता था कि मैं लव मैरिज करूं, बचपन से एक सपना था, पता नहीं कैसे था ये मुझे नहीं पता, बट मेरा सपना था कि मैं बहुत जल्दी शादी कर लूं, पता नहीं क्यों। सो क्यूट। बचपन से ही आप शादी करना चाहते थे? पता नहीं क्यों, बचपन में राधा बनता था जन्माष्टमी में, तो आउटफिट वगैरह डालता था कहीं ना कहीं, मतलब पता नहीं कैसे कनेक्शन बना था, बट मुझे ये था। मैंने अपने कोच को बोल दिया था, संजय भारद्वाज सर को बोल दिया था कि सर मैं 24-25 तक शादी कर लूंगा। पता नहीं भैया, मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को आपको जवाब मिले तो बताना जरूर। नहीं पर आपको मेरे, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। पर आपने पता नहीं भोलेपन में कहा होगा कि मैं 24-25 का, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि आप 25 तक जो है वो ब्रह्मचार्य का पालन करें, और 26 से 50 तक गृहस्थ का। तो आपने 26 का होते ही शादी कर ली। आपका शास्त्रों में ज्यादा विश्वास है कि शादी बहुत जोर से लगी हुई थी आपको? शादी जोर से लगी हुई थी शास्त्र मुझे। तो फिर आप कितनी देर से एक दूसरे को जानते थे जब शादी से पहले? शादी से पहले हमने 3-3.5 साल डेट किया है। अच्छा। हाँ जी। और मैं मतलब मैं स्टोरी बताता हूँ कि इनका क्या कहते हैं भाई है परमवीर,
तो मेरा भाई और वो फुटबॉल खेलते थे साथ, तो मेरे को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। कभी कभार जैसे ऑफ सीजन होता था तो मैं फुटबॉल खेलने जाता था भाई के साथ। तो कभी कभार ये वॉक करने आती थी जहाँ भी हम फुटबॉल खेलते थे ग्राउंड पे, तो वहाँ मेरे को मतलब दिखी थी फर्स्ट टाइम। वो मुझे पता लगा था कि परम की सिस्टर है और ये, और मुझसे एक साल बड़ी है वैसे, एक डेढ़ साल। अच्छा। बट मैंने सोचा नहीं वो, तो मैंने वही सोचा था कि उसमें सोचने वाली कौन सी बात है। नहीं बहुत है, बहुत कुछ है सर। घर वालों से सवाल पूछो ये बताएंगे। हाँ घर वाले तो अर्चना जी भी तो अपने हस्बैंड से कितने 22 साल बड़ी। सॉरी 22 महीने क्या ढूंढ कर मारूं तुझे। 22 महीने सॉरी अर्चना जी, थोड़ा आई लव यू अर्चना जी। 6 years हाँ। तो फिर मैंने उनको, मैंने फर्स्ट मैसेज मैंने किया, डांटती तो नहीं ना आपको कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, चुप रहो तुम। नहीं नहीं बस फिर ठीक है। हाँ जी वही हाल है, जो आपका है घर पे वही मेरा है। हाथ वाथ तो नहीं मरोड़ती। तो फिर आपका हाल सेम कैसे हुआ? मेरा भी ठीक है। अच्छा अक्सर एक बात बताओ, अक्सर जो नाम है ये अक्सर सुनने में नहीं मिलता है, मतलब बड़ा यूनिक नाम है, तो आपका नाम तो बहुत लोग गलत भी लेते होंगे। जैसे मैंने इनसे पूछा कि अक्सर आपका नाम अक्सर है या अक्षर है, तो इन्होंने बोला कि मेरा नाम अक्षर है लेकिन AXAR लिखते हैं ये। हाँ तो ये क्या, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? मैं जब बेंगलोर में था U19 वर्ल्ड कप के कैंप में था। अच्छा। तो पासपोर्ट था नहीं मेरे पास। अच्छा। तो मैं 17 साल का था, लाइसेंस भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं प्रोबेबल्स में सिलेक्ट हो गया और वो टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। अच्छा। तो उन लोगों ने बोला कि अब पासपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि वीज़ा और वो सब करने हैं, तो मैंने इमरजेंसी में वो डैड को बोला कि आप वो स्कूल में जाके प्रिंसिपल से ले लो लीविंग सर्टिफिकेट। तो लीविंग सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल ने AXAR लिख दिया। अच्छा। तो वो लाइसेंस में भी वो हो गया और पासपोर्ट में भी वो हो गया। फिर एक साल में वो, उसके बाद मैं इंडिया भी खेल गया, मेरा बोला नाम सही चल रहा है। चलने वही है, फिर आप अक्सर पटेल हो गए हैं। अक्सर ही पटेल है कि फुल टाइम पटेल? आप तो फुल टाइम पटेल हैं। अच्छा गुजराती आदमी, मेरे को लगता है आप तो स्कोरबोर्ड नहीं देखते होंगे, आपको तो मुंह जुबानी याद रहता होगा, इतने अपने पाले में आ गए हैं, इतने और चाहिए, है ना। अच्छा रवि, आपकी टीम में क्रिस गेल भी हैं। हाँ जी। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैं मतलब बड़ा पार्टी शार्टी, बड़ा कूल गाय। एक बार मेरे को फोटोग्राफ दिखा रहे थे, कहते ये देखो मेरी घर में पार्टी हो रही है और ये मेरी वाइफ है और ये पीछे मेरी एक्स है। मतलब मैं कहा वाह यार ये बड़ा अच्छा है। तो मतलब घर वालों ने कहा नहीं कि बेटा ज्यादा क्रिस गेल से घुलना मिलना तुम्हें बिगाड़ देगा, ऐसा बोला नहीं? घर वालों ने नहीं बोला, बस उधर जैसे मेरा भांजा है भाई का लड़का, तो उससे वो बहुत डरता था उससे। क्रिस गेल बड़ा मतलब हाइट वाइट अच्छी उसकी, लंबा चौड़ा है। अच्छा वैसे रवि, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं नहीं, कभी नहीं। सुना भी नहीं है? नहीं नहीं, बॉल घुमाने के चक्कर में गर्लफ्रेंड घुमाने का टाइम ही नहीं मिला कभी। हाँ, अभी टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला मतलब? नहीं, अदरवाइज मन में इच्छा है। पर देखो 20 साल की उम्र में आप IPL खेल रहे हो, हमें 27 साल की उम्र तक नहीं पता था कि कहाँ जाना है क्या करना है, पर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू। अच्छा अक्सर का बॉलिंग में तो इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा ही है, पापा से पिटने में भी इनका रेट बड़ा अच्छा है। सिर्फ आज तक मैंने सुना कि 2 ही बार पिटाई हुई इनकी पापा से। अच्छा। तो आप हो ही इतने सीधे या पकड़े ही 2 बार गए हो? नहीं इतना सीधा ही, हमारी तो दिन में 2 बार हो जाती थी। तो जो 2 बार पिटाई हुई वो किस लिए हुई थी? पहली बार हुई थी कि मैं 94-98 क्लास में फर्स्ट आता था। 90% 98% Wow. मैंने लाइफ में ना कभी नहीं देखा 90% वाला आदमी। मैं आज यू आर द फर्स्ट वन, हम 46-47 वाले हैं। मैं अभी इधर ही आ गया हूँ अभी। अब तो चलो आप स्टार भी तो बन गए हो ना, तू आया उधर था हम शुरू से वही थे। तो फिर दोनों बार पढ़ाई की वजह से ही हुआ? एक बार पढ़ाई की वजह से, एक बार वो 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है। हाँ। तो काइट फेस्टिवल होता है। हाँ। तो मेरे से सही से मैं उड़ा नहीं पा रहा था। तो जो भी लेता था काइट फाड़ के रख देता था, जो भी लेता था फाड़ के रख देता था। तो देखा तो इधर 20-25 काइट हो गई। अच्छा। और डैड तभी आ गए ऊपर, कहता है क्या कर रहा है, हो गई? मैंने बोला ये एक भी सही से उड़ नहीं रही है। तो इधर देखा, ये क्या किया? वो उड़ाने जाता था, फट जाती थी, फिर रख देता था इधर। तो कहते
ये कितने की आती है पता चलता है तुझे? पापा गुजराती है, पापा का ठीक है। तो उसके वजह से फिर डंडे से मारा था। ये आपने एग्जैजरेट कर दिया, डंडे से नहीं मारा होगा। डंडे से मारा, थेपले से मारा होगा। नहीं नहीं। अच्छा राहुल के बारे में हमने सुना है कि ये इन्होंने थर्ड स्टैंडर्ड से ही क्रिकेट जो है वो खेलना शुरू कर दिया था, क्रिकेट कोचिंग लेना शुरू कर दिया था। तो उस समय फिर जब आप क्रिकेट खेलने जाते थे तो आप गार्ड वगैरह पहन के जाते थे या डायपर में मतलब जाना पड़ता था? कि इतनी छोटी उम्र में खेल रहा है, गांव में रहते थे, डायपर तो बचपन में भी नहीं पहने। वाकई ये डायपर पर बड़ी सही बात बोली राहुल ने, डायपर वायपर हमने अब सुने। हमारे डायपर नहीं, हमारी बेडशीट चेंज होती थी। मैंने अब एक मेरी भांजी है उसके डायपर देखे, उससे पहले तो देखे ही नहीं थे। कहाँ हमारे टाइम पे डायपर थे, बिल्कुल नहीं होते थे। सेम नीतीश का भी यही होगा, हम दोनों सेम घर में लोग कितने होते थे, 25-25 लोग एक घर में रह रहे हैं, कोई ना कोई तो चेंज कर ही देगा डायपर की क्या जरूरत है। कैसे होता था, जॉइंट फैमिली का ये फायदा होता है बच्चे पल जाते हैं फटाफट, पता नहीं चलता भी। मेरी बीवी बोली बनायरा जब होने वाली थी तो बोली कॉट मंगवानी है, कॉट में वो क्या होती है? कहती कॉट जिसमें वो बच्चा सोता है। तो मैं कहा वो बेड पे नहीं सोता है बच्चा? कहती नहीं वो कॉट होता है। तो हमारी माँ तो एक वो वहां से बांध देती थी चादर और एक इधर, साथ में रोटी पकाई जानी, हाथ में लात मारनी, झूले भी देने, साथ में चल। अक्सर आपके इंस्टाग्राम में कोई भी लड़की की फोटो नहीं डाली आपने, सब यार दोस्तों के साथ ही है। आज तक मैंने तो नोटिस नहीं किया, आपको कैसे पता चला? हमारी वी हैव वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1%, उन्होंने बताया। तो मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड सच्ची में नहीं है? सच से बता दो ना कि आप लीक नहीं होने देते कोई फोटो? नहीं, आपको लड़की देखनी है कि क्या है मेरे? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, पर वैसे ही पूछ रहे थे। आपके फैंस जो है वो तो जानना चाहते है ना कि यार अक्सर हैंडसम आदमी है तो मतलब क्या है? नहीं, वो दिख जाएगी थोड़े टाइम में। मैं वहां से शुरू करता हूँ, ये हरियाणवी आदमी सच बोलेगा। हाँ। कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? फिल्में तो देखते ही होंगे कभी कभी। जी बिल्कुल, अभी तो करीना कपूर अच्छी लगती है और तारा सुतारिया। हाँ जी। तारा, करीना की तो शादी हो गई, तारा सुतारिया ये बंदा तुम्हारी तरफ आ रिया। सारा अली खान भी अच्छी लगती है वैसे। लिस्ट है काफी। अब आप फैल रहे हो। आप मजबूर कर रहे हो। आप बेटा? सारा अली खान। सारा अली खान मतलब आप दोनों को ही पसंद है? बिल्कुल। पटेल साहब? दीपिका। लेट्स चेंज द टॉपिक। मान लो आपको किसी हीरोइन के साथ डेट पे जाना हो तो आप किसके साथ? दीपिका के साथ जाना चाहेंगे, उनकी तो शादी हो चुकी है। फिर उसके अलावा फिर भी जाना चाहेंगे? फिर भी जाना चाहेंगे। ढीठ आशिक है, ढीठ आशिक। रवि आपको भी अगर डेट पे जाने का मौका मिले तो सारा अली खान ही? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा क्लियर है। ऐसे बच्चे बड़े खतरनाक होते, जिद्दी होते। और कोई अगर एक ऑप्शन देना हो? आलिया भट्ट। ओके। त्रिवटिया साहब? मैं तो बता ही दिया आपको, तारा सुतारिया और सारा अली खान। पूरा मतलब कोई और हो, मार्क लगा दिया, उसके अलावा हिलना नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणवी आदमी ये ऐसे ही करेगा, टिकेगा। एक तो टिक जाएगा तो टिका ही रहेगा, और क्रिकेट में भी आप ऐसे टिके रहे और चौके छक्के मारते रहे सब लोग। हेलो आंटी, आंटी हमारी बॉल इधर आई थी क्या? नहीं नहीं आई थी, लेकिन हमारे सिद्धू अंकल आने वाले, उनसे संभल के रहना। कैसी बातें चलता है यार। अरे क्या हुआ, तेरे सुसु निकलने वाला है क्या? हवा ले रहा है देश के चैंपियंस। अरे ये लोग तो वही है ना जो ग्राउंड पे लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो लंबे लंबे मारते तभी तो छक्के होते, छोटे छोटे मारते तो चौके हो जाते ना। क्रिकेट मालूम नहीं है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। आप लोग सब देश के चैंपियन हो ना, आपको पता है ये हमारे इधर का चिंपैंजी है।
एक बार करके दिखाना प्लीज। नहीं यार, एक बार करके दिखाना। नहीं, ये बहुत अच्छा करते, एक बार करके दिखाना प्लीज। गेस्ट, तू बहुत हंसता है यार, हर बार फिर बहुत हंसता है। मैं पिंकी प्रॉमिस, मैं नहीं हंसूंगा। नहीं नहीं हंसूंगा, एक बार करके दिखाना। अगर दिस इज धनीराम, आई एम प्रेजेंटिंग चिंपैंजी फॉर यू फॉर माय डियर फ्रेंड रामलाल हियर एंड ऑल द एस्टीम गेस्ट सिटिंग ओवर हियर। ओके। Thank you. ओए चलो जाके अंदर पढ़ाई करो, नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या पढ़ाई करो? माँ कहती है स्कूल में जाके पढ़ाई करो, बाबूजी कहते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करो, और आप कहते हैं बाहर जाके पढ़ाई करो। एकदम यार सेम यार, एकदम शाहरुख खान लगा है। साला तू तो बहुत टैलेंटेड है यार। साला तू तो बहुत टैलेंटेड नहीं, साला ही टैलेंटेड है। मतलब देखो, पता है हमारे आदरणीय कृष्णा अंकल जो है ना, सुपरस्टार टैलेंटेड, नीतीश उनका जीजा लगता है। तो सोच साला कितना टैलेंटेड है। तो आज तो फिर कृष्णा इस एपिसोड के पैसे भी नहीं देगा ना, आज तो उनके जीजा भी आए हैं। ये दूर का साला है, ऐसा कोई क्लोज नहीं, दूर का साला है, कजिन सिस्टर के साथ ही है। हाँ, कृष्णा अंकल बहुत मनी माइंडेड है। हाँ, दो दो बच्चे भी तो पालने होते, पैसे लेंगे वो, पैसे लेंगे, कितनी लेंगे, पूरे पैसे लेंगे वो। तेरा बहुत सही है यार। हाँ, मामा ने बात करनी बंद कर दी तो जीजा लेके आ गया। सब लोग से बात करने दे। हेलो, हाय। आप लोग सब दुबई में थे ना? कैसा था आप लोग का हनीमून? वो हनीमून मनाने थोड़ी गए थे। नहीं, मेरे को पता, नेहा कक्कड़ भी गई थी, हनीमून मनाने गई थी दुबई। तो नेहा कक्कड़ की शादी हुई ना बेटा? हाँ, तो नीतीश राणा जी की शादी हुई ना बेटा। वो क्रिकेट खेलने गए थे वहाँ। हाँ, तो जो क्रिकेट खेलते वो हनीमून नहीं मना सकते क्या? तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो फिर समझ में आएंगी चीजें। यार सब कुछ बड़े हो गए समझ में आएगी, तो बच्चा पैदा ही क्यों किया हमको? सीधा बड़े ही पैदा कर देते ना। हाँ अंकल, हमको कुछ बड़े होने की वैक्सीन बना दो ना हमारे लिए प्लीज। बड़े होने की क्या वैक्सीन होती है, मतलब वो कैसे बना देंगे? अरे 25 बॉल में 50 रन बना देते हैं ये लोग। वैक्सीन तो ऐसे बना देंगे, ऐसे है कि नहीं? करने के आए तुम दोनों? हम लोग क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर। क्रिकेटर, क्रिकेटर बनेंगे हम लोग, और क्रिकेटर बन के हमारे देश की जितनी हीरोइंस है उनके लिए हम कुछ करेंगे। हीरोइन के लिए क्या करना चाहते हो? वही जो विराट अंकल ने किया, हरभजन अंकल ने किया, शादी। इतने छोटे हो गए, शादी करोगे तुम? तो छोटी वाली शादी करवा दो। ये मतलब 7 फेरे की जगह 3.5 फेरे ले लेंगे, उसमें क्या हो गया? हर चीज की एक उम्र होती है बच्चों। नहीं, हर चीज की उम्र नहीं होती है, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। हमने चीज बहुत खाई है। हाँ, आप हमारी अभी तुम लोगों की उम्र नहीं, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचते। अच्छा, जवानों को बोलते हो दिल बच्चा रखो, यहाँ पर एक बच्चा अपना दिल थोड़ा सा जवान रखता है, उससे भी प्रॉब्लम है आपको, ये क्या बात है? और तुम दोनों क्रिकेट देखते हो? बहुत देखते भाई, क्रिकेट मैं रोज देखता हूँ, सारा का सारा, सब एम्पायर, स्टम्प, विकेट, बॉल सब देख लेता हूँ मैं। मैं तो इतना क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन वो लड़कियाँ होती हैं ना, लेडीज वहाँ पे, वो आंटी लोगों में को अच्छी नहीं लगती हैं। आप लोग 4 और 6 मारते हो ना तो वो डांस करती हैं, फिर आपको पता नहीं आप आउट होते हो ना तो भी वो डांस करती है। दो भी कहीं की एकदम, मतलब वो चेयर लीडर होती है ना, अगर चौका छक्का मारे तो वो अप्रिशिएट करती है, कोई आउट हो तो भी अप्रिशिएट करती है। आप लोग के लिए अच्छा, आप चौका छक्का मारते हो अप्रिशिएट करने के लिए, वो डांस करती हैं। मैं होमवर्क करते करते मर जाता हूँ, और मुझे अप्रिशिएट मेरी वो मस्ते वाली टीचर पता है कैसे करती है? वेरी गुड, सिट डाउन, ये अप्रिसिएशन है। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपने स्कूल में 2 का पहाड़ा बोलें और इंग्लिश की टीचर पम पम उठा के ऐसे ऐसे करे। पहाड़ा सुनाओगे तो मैथ वाली टीचर नाचेगी ना? तो मैथ वाले तो सर है ना, दाढ़ी वाले, उनका डांस कौन देखेगा? इंग्लिश टीचर मेरे को बहुत अच्छी। अरे
इंग्लिश टीचर से याद आया, पापा घर पे आने वाले हैं। इंग्लिश वाले टीचर से पापा क्यों याद आ गए? वो पेरेंट्स मीटिंग पे गए थे ना। हाँ तो वो आएंगे, पूरी नेगेटिविटी लेकर आएंगे अब घर पे। ऐसे क्यों पढ़ते हो, वहाँ पे क्यों जाते हो, ग्राउंड में मत खेलो, पढ़ लिख के कुछ बनना, ऐसा नेगेटिव आदमी है ना। चिल कर यार, कोई बात नहीं यार, क्या है ना, ये सब चिल्लम चिल्ली करके पापा लोग को एकदम पापा वाली फीलिंग आती है। हाँ। वरना पूरा साल तो मम्मी की डांट ही खानी है, तो एक दिन मिलता है उनको, ऐसे मजा। तूने ना बहुत अच्छा किया था, वो ऐसे चिंपैंजी के जैसा करके दिखाना। ओके, मेरे को बहुत मजा आया था। आई एम प्रेजेंटिंग चिंपैंजी फॉर माय डियर फ्रेंड अमला एंड ऑल द एस्टीम गेस्ट सिटिंग ओवर हियर, दिस इज चिंपैंजी। नीतीश, हमने आपके बारे में सुना, आपने क्रिकेट खेलने के लिए आपने पानीपुरी का आपको बड़ा शौक था। हाँ जी। चाट पपड़ी वो सब छोड़ दिए भैया? एक टाइम पे छोड़ी थी, अब वापस स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अब बस बहुत हो गया, बहुत रहा नहीं जा रहा, तो घर आके फिर वही चीजें खाने का मन करता है एक्चुअली। हाँ जी, तो गोलगप्पे, दही बल्ले, तो ये सब। आपकी शादी हो गई है तो अब तो वाइफ तो और भी ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, दही पापड़ी और पानीपुरी टाइप। हाँ जी। आप जाते हो कभी कभी ऐसे घुमा? हाँ भैया, मेरे एक जिनके पास मैं 7-8 साल से जा रहा हूँ, वो वहीं खड़े होते हैं आज भी, और मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, और वहीं खाता हूँ। अच्छा, पानी पूरी का मजा जो ठेले पे ही आता है, पता है? बट हमारे यहाँ तो गोलगप्पे है ना भैया, दिल्ली में गोलगप्पे यहाँ पर है, वो पानी पूरी ये बोलते हैं, बाकी होता गोलगप्पे ही है। हाँ जी। मैं एक बार कोलकाता में गया, कोलकाता पता नहीं पानी पूरी को कुछ और ही बोलते हैं, पुचका। वो तो मुझे लगा भटूरे में छेद करके डाला उन्होंने, इतना बड़ा पुचका दे तो दिया, मैंने कहा इसको खाना कैसे है, बहुत बड़ा होता है वो। क्या कहते हैं पटेल साहब गुजरात में, क्या बोलते हैं पानी पूरी को? पानी पूरी बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं। गोलगप्पा हमारे उधर ही बोलते हैं गोलगप्पा, क्योंकि खाते हुए मुंह गप्पे जैसा होता है। आपको अच्छे लगते हैं सही पानी पूरी? बहुत बढ़िया। मैंने देखा एक बार हम लोग अपने एक एक्ट में यूज कर रहे थे, वो आने वाला था अभी एक्ट, लेकिन ये इन्होंने पता था कि आया हुआ है पीछे पानी पूरी वाला, बीच में कट करके गई, कहती मैं फोन भूल आई अपना। फोन लेने इधर जाना ना, चली इधर गई। मैंने वो वीडियो डाला था अपने इंस्टाग्राम पर। 86 पानी पूरी खाई है आपने। प्रोडक्शन पैसे दे रहा था ना इसलिए, वरना अपने पैसे पर मैं 6 ही खाती हूँ। उस दिन इन्होंने अपने बेटे को भी बुलाया, आज प्रोडक्शन के खाते में खाती। अच्छा, ये मैंने बहुत बार ऐसा सुना है बहुत सारे क्रिकेटर्स के मुंह से कि अंधविश्वास में बड़ा बिलीव करते, आप लोग बिलीव करते हो इन चीजों में? मैं आई थिंक सबका रूटीन होता है ये। अब मतलब जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, जैसे मैं लेफ्ट पैर पे पहले पहनता हूँ, फिर राइट पे पहनता हूँ, फिर थाई बेल्ट पहनता हूँ, फिर एक और चीज है वो पहनता हूँ, फिर ग्लव्स पहनता हूँ, फिर हेलमेट। तो मेरा एक पैटर्न है कि मेरे को ये चीजें ऐसे करनी है। बट लेकिन आप मुझे ये है कि जब मैं मेरा सीजन या कोई मैच खराब जाता है, थोड़ा परेशान होता हूँ, तो कपिल शर्मा का शो जरूर देखता हूँ। अरे यार, खुश होने के लिए, क्योंकि यही चीज ऐसी है जो आप कभी भी 24 घंटे किसी भी चीज किसी भी जगह पे आप अवेलेबल है। मेरे पास तो सोनी लिव की वैसे ऐप भी है, बजट अपना ठीक है। वाओ। तो मैं बहुत देखता हूँ भैया, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, अदरवाइज आप टीवी पे देखो इतनी नेगेटिविटी बिकती है। हाँ जी। तो मैं तो खुद इसलिए अपना ही शो देखता हूँ। अभी तो मल्टी कैम सेटअप है पूरा, क्रिकेट को मतलब एक एक चीज रिवर्स कर करके दिखाते हैं, अगर आउट पे किसी को डाउट हो तो वो है ना। पहले पहले मैंने देखा बहुत बार ऐसा होता था, किसी से कैच छूट जाता था ना, उसको पता था कंबल कुटाई होगी मेरी शाम को, तो एक्टिंग बड़ी करते थे, कैप्टन की तरफ देखता था कि मेरे को घूर रहा है कि नहीं घूर रहा है। कई एक्टिंग भी करते होंगे कि नहीं, कैच छूट गया, मैं जान के बोलूं कि ओए मैं तो ये हो गया इसलिए मैं नहीं, तो मैं पकड़ लेता, होता है ऐसे? आपने किया कभी? आज भी होता है, लाइव मैच में भी दिखाना होता है ना पब्लिक को, पब्लिक भी तो देख रही है। हाँ। तो उसमें अगर हाई कैच छूट जाए तो यार सूरज आ गया, अबे चश्मा पहना हुआ तूने, सूरज कहाँ से आ गया, वो चश्मा इसीलिए है। तो ये तो चलता रहता है। अच्छा, एक अर्चना जी का सवाल था, कहती है जो जब ऑक्शन होती है प्लेयर्स की, ये कौन वैल्यूएशन कौन करता है कि मैं इतने का बिकूंगा, वो इतने का बिकेगा प्लेयर, ये प्लेयर डिसाइड करते हैं कि कोई और डिसाइड करता है? फ्रेंचाइजी।
प्लेयर्स को तो पता ही नहीं होता ना मैं इतने में बिकूंगा। अच्छा हाँ जी, वो फ्रेंचाइजी जो जिसके पीछे पड़ जाए कि ये हमें चाहिए तो उस हिसाब से आपके प्राइस बढ़ते रहते हैं। ओके ओके, जैसे हमें पता ही नहीं अपनी वैल्यूएशन कैसे करनी है, अर्चना हमसे ज्यादा ले जाती है। काश ऐसा होता कपूर। नहीं ये अर्चना जी, मैं ऐसे सवाल पैसों वाले नहीं ज्यादा पूछता, पर ये अर्चना जी का था कि आए तो पूछना जरूर। हाँ। कि जब आपकी वो जो ऑक्शन होती है तो हो गया कि ये प्लेयर इतने करोड़ में बिक गया, ये इतने करोड़ में, तो पैसा उसी दिन मिल जाता है या मैच खेलने के बाद मिलता है? इंस्टॉलमेंट में मिलता है 3, तो वो एक साल में पूरा पैसा आता है। ओके ओके ओके, तो सुन लिया आपने। लेकिन आपस में कंपटीशन होती है थोड़ी सी, जेलसी या क्या यार, इसको ज्यादा, मतलब ये ज्यादा में बिका, ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। नहीं अपने से टाइम नहीं मिलता तो दूसरों का क्या ही सोचे। वैसे भी हम बहुत लकी हैं कि हम उस लेवल पे खेल रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। बहुत लोग हैं जो स्टेट लेवल पे भी नहीं खेल रहे, मतलब मेरे भी दोस्त हैं सबके, हम सबके दोस्त हैं, बट हमें उनके लिए ये बुरा लगता है कि यार वो कम से कम एक लेवल नहीं खेल रहे। मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा, मैं तो बहुत खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई किसी से जेलसी नहीं है, मैं अपने में खुश हूँ। इनका लोगों के पैसे पे इतना ध्यान रहता ना ये एक इनका और एक सवाल था, कहती जैसे 2-3 फिल्में हमारे एक्टर्स की, किसी की 2-3 बैक टू बैक हिट हो जाए ना तो उसका प्राइस बढ़ जाता है अगली फिल्म में। हाँ। तो आपकी जैसे बैक टू बैक परफॉर्मेंस हो गई, सेंचुरी हो गई, विकेट ले लिए, तो अगले ही मैच में बढ़ जाते हैं या अगले सीजन में बढ़ते हैं? आए ऐसे सवाल मेरे से मत पूछवाया करो अर्चना जी, तुझे पढ़ने वाली है मेरे से। जो ऑक्शन में एक बार जो मिल जाए वो, जब तक दूसरा ऑक्शन नहीं होता तब तक उतना कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ओके हाँ जी, तो एक सवाल अर्चना जी का और था। उसकी मर्जी से कि जो अगर मान लो चेन्नई की टीम में है तो उसका इडली डोसा हो गया, या जो राजस्थान से उसको दाल भाटी हो गया, पंजाब हो गया तो कुलचे छोले, तो ये कैसे डिसाइड होता है? प्लेयर के हिसाब से होता है जो उसको खाना है। वैसे तो आप बड़ा डाइट वाइट फूड ही खाते होंगे है ना, कुलचे भटूरे खा के तो ब्लर हो जाता आदमी का विजन, छोले भटूरे खा के गिलास लस्सी का पी लो ना आदमी चार चार नजर आने लगते हैं। तो फिर बॉल तो मतलब पता नहीं दर्जन ही नजर आनी शुरू होगी, बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली। पर अक्सर हम लोग जब ट्रैवल करते हैं फिल्म के शोज के लिए भी, तो वहाँ पर कभी कभी होटल में जाने से पहले कोई बोल देता है कि यू नो इस कमरे में भूत है, या यू नो ये यहाँ पर डरावना कुछ सीन है। तो मैंने सुना एक धर्मशाला वाला किस्सा आपके साथ हुआ है, राहुल यूजी ने मुझे बताया था कि कोई धर्मशाला में कोई भूत था किसी? वो मेरे साथ नहीं, वो उसके साथ हुआ था। अच्छा उसके साथ हुआ था। वो भूत बोल के बता रहा मेरा नाम ले रहा है। हुआ क्या था? वो कोई सीनियर था वहाँ पे, उसने एक वो हमारे वहाँ तो बोलते थे उसको कि अब तो मास्क बोलते हैं हमारे उधर, वो मुकुट लेके आ गया। अच्छा तो वो वाला था, उसने भूत वाला ले लिया सीनियर ने। अच्छा तो रात को ये फोन पे लगा हुआ था, यूजी मैं और ये रूममेट थे, मैं भी फोन पे लगा हुआ था, नॉक हो रहा था डोर, तो ये कह रहा तू खोल, मैं कह रहा हूँ तू खोल। तो थोड़ी देर बाद यूसी खोलने गया तो सामने देखा उसने वो कि वाइट उसने बेडशीट पहनी हुई थी पूरी, और वो मास्क था वो भूत वाला था। तो ये फोन पे बात कर रहा था, इसका फोन गिर गया नीचे, चिल्लाया तो ये चिल्ला के ना बेड के अंदर घुस गया। तो बेड के नीचे, बेड के नहीं, वहाँ बेडशीट ऊपर से ब्लैंकेट उसने। हाँ जी, तो मुझसे कह रहा बाहर जाके देख, मैंने कहा क्या हुआ क्या है, कह रहा बाहर जाके देख मैं नहीं जा सकता। तो मैं गया, मैंने भी देखा एकदम से उसने मुझे हाँ डराया, तो मैं भी ऐसे ही भाग के आ गया। अच्छा। कह रहा देख लिया। उसके बाद ये इतना डर गया, मैं वॉशरूम जाना था मुझे। हाँ, हाँ। कह रहा मैं तेरे साथ चलूंगा। मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना, तू यहीं बैठ। कह रहा नहीं मैं जा ही नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं वॉशरूम में था, ये वहाँ पे वॉश बेसिन पे जाके बैठ गया और दूसरी साइड मुंह करके फोन चला रहा है। मैं उसको भगा रहा हूँ वहाँ से, जा कह रहा नहीं नहीं मैं यहीं बैठा। अच्छा आप भी क्रिकेट खेल रहे हो और आगे चल के ऑब्वियसली आपको एड्स वैड्स सब करेंगे आप, हम थोड़ा सा आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग देना चाहते हैं, कुछ आपको प्रॉप्स देंगे, आपको रैंप पे वॉक करना है, और जज होते हैं ना जैसे सामने, तो वो अर्चना जी हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस रैंप वॉक को देख के और एक एक डायलॉग साथ में आपको बोलना है फिल्मी, तो ये आपको मार्क्स या जो भी इनका मन होगा, तो प्रॉप्स लाए जाएं जरा प्लीज। Oh my God, there's a pink skirt. ये कौन चूज करेगा? अक्सर हम ऐसे शुरुआत करते हैं जो पहले बैठा होता है, तो उससे तो अक्सर आप तो हैं ही अक्सर, आइए। ये किस लिए रखा अभी क्रिकेटर्स को ये वाला प्रॉप देने का क्या मतलब हुआ? रिवॉल्वर रानी। जो भी आपका दिल करे, हैट वैट पहनना है, जो भी, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी है, साड़ियां क्यों रखी हुई है मेरे साथ, जो आपका मन हो अक्सर। Oh wow, cool dude.
ओहो ओ वाह बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है ओ, ओ, क्या बात है पटेल साहब ऐसे बैठे रहो अच्छे लग रहे हो टूल टूट लग रहे हो आई नितेश ये तो पहले ही मॉडल है आइए Come on, cowboy. Okay. एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो अर्चना मैम प्रॉप्स तो ऐसे वाले थे कि जाके बोलेगा कितने आदमी थे आइए चलिए दोस्ती का क्या उसूल है मैडम नो सॉरी नो थैंक यू आइए जाओ कम ऑन यस राहुल क्या किया सिद्धू जो कह रहे थे जल्दी आऊंगा ये डायलॉग नहीं था डायलॉग दूसरा था ये सिद्धू जी ने मैसेज भिजवाया है एक बार जोरदार तालियां हमारे चारों मॉडल्स के लिए इनको मार्क्स तो नहीं रैंप वॉक के लिए मार्क्स नहीं लेकिन स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए आप स्पोर्ट्समैन भी हो स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए अच्छा आप सब अलग अलग टीम्स के साथ जब खेलते हो जाहिर सी बात है सब एक दूसरे को तो जानते ही हैं या अपनी टीम के प्लेयर्स को तो बखूबी जानते हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ ये सब फैंस जानना चाहते हैं ये मेरे नहीं है तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो आपने बताना ऐसा कौन करता है मोबाइल का चार्जर जो है वो सबसे ज्यादा कौन मांगता है ऋषभ बहुत मांगता है क्योंकि वो 24 घंटे खेलता था तो वो उसका फोन हमेशा ही बैटरी डाउन ही रहती थी हमेशा चार्जर मांगता था अच्छा वो सबसे ज्यादा करता है आप चारों में से ऐसा कोई नहीं करता नहीं ये जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं हम साथ में रहते हैं तो इसका फोन हमेशा चार्जिंग पे लगा रहता है नितिश का मैं कहता हूँ थोड़ी देर चार्जर रुक जा 100% होने दे 100% होने दे इसको थोड़ी सी भी कम नहीं चाहिए और वो 100% इसकी 2-2.5 घंटे में खत्म कर देता है इसको भी बहुत चार्जिंग आप कहाँ खत्म होती है मैं समझ रहा हूँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि शादी के बाद भी इतनी लंबी बातें होती हैं फोन पे सर कई बार तो झगड़े ही बड़े लंबे चल जाते हैं ना मैं अगर चला गया कहीं खेलने तो मैसेज पे बात तो करनी पड़ेगी झगड़े मैसेज पे होते हैं फिर हाँ बिल्कुल तो इसलिए सर कितनी छोटी उम्र में लड़का कितना मैच्योर हो गया वाओ अच्छा अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को ये बताने के लिए कि क्या खा रहा है कहाँ है सेल्फी खींच खींच के कौन भेजता है चहल भेजता चहल। है पूरी अपडेट देता है वो कहाँ बैठे क्या कर रहे हैं इधर बैठे ग्लास का फोटो जब आया था तब उसने किसी और का नाम लिया ऐसी किसी बात पे वाह अरे नाउ ही इज एंगेज्ड यार अच्छा सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है क्रीम रीम लगा ली और परफ्यूम लगा लिया ये सब चीजें कौन करता है नितिश बहुत प्रोडक्ट चाहिए अब शादी के बाद भी बहुत प्रोडक्ट शादी के बाद ज्यादा चाहिए वैसे इसको हैं पता नहीं सर एक वैक्स एक शैम्पू एक फेस वॉश और इससे ज्यादा क्या चाहिए हाँ एक्चुअली लड़कों का यही होता है शैम्पू के बाद पता नहीं वो किसको कंडीशनर भी चाहिए जो प्रॉपर सर वो अगर वैक्स लगाऊंगा एक रात पहले स्प्रे करूंगा तो अगले दिन कंडीशनर तो चाहिए वैक्स तो तू डेली लगाता है तो वही इसलिए कंडीशनर कैरी करता हूं लेकिन मैच से पहले तैयार सबसे ज्यादा कौन है यही मैं ही होता हूं मैं मेरे को बालों का बहुत ज्यादा है अपने इसको हेयर ड्रायर प्रोडक्ट्स वगैरह लगा के हां जी हां जी मैच से पहले जैसे वहां पसीना आता है पिच पर तो सारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं मैं वो 15 20 मिनट का ही है बस अच्छा कि आप अगर मैच से पहले एक इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बिल्कुल सेट होने चाहिए उसके बाद जैसे मर्जी हो जाए हां ठीक है एंट्री डांस होनी चाहिए ओके सबसे ज्यादा शो ऑफ कौन करता है
मैं तो नाम नहीं ले सकता, मुझे तो समझ गए ये समझ लेना बड़ा मुश्किल है, नाम लेना बड़ा मुश्किल है। अगर आप गो थ्रू करोगे इंस्टाग्राम पे लोगों की तो पता लग जाएगा आपको, जवाब मिल जाएगा। समझदारों को पता है बाकी नहीं, ऐसी बात नहीं है, हार्दिक ऐसा तो नहीं है। अच्छा इंग्लिश में किसका हाथ सबसे ज्यादा तंग है? रिंकू केकेआर से खेलता है वो, इसके साथ ही। अच्छा रिंकू कुमार, उसका बहुत ही हाथ तंग है इंग्लिश में, मतलब वो बेटर हो रहा है, पहले बेटर हो रहा है, बेटर सीख रहा है, समझ रहे। लास्ट ईयर हम बाहर गए थे, यूरोप टूर पे गए थे हम सारे, तो वहाँ पे वो कोशिश कर रहा था इंग्लिश में, हम उसको बोले थे ऑर्डर करके आ, तो पहले वो हमारी तरफ देखता था, कहता था आज तो भूखे ही रहोगे। एक किस्सा मुझे याद है सर, हम लोग क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे थे, वापस आ रहे थे, तो मैंने उसको बोला तो हम लोग वो बैग वैग चेक इन करा लेते हैं, तू जाके बर्गर ले। तो मैंने कहा उसको जो भी बर्गर लाएगा तो उसमें बोल दो चीज़ डाल देगा, चीज़ वाला खाएंगे। ठीक है भैया, गया बर्गर लेके आ गया, मैंने खोले, मैंने कहा इसमें चीज़ कहाँ है? कह रहा भैया चीज़ मेरे से बोला ही नहीं गया। मैंने सिर्फ जाके बोल दिया दिस बर्गर 5 पैक, मैं उसमें चीज़ और लगा देता यार, चीज़ हो जाता, मतलब बहुत सीधा है वो। और एक और किस्सा भी है मेरे पास, बचपन में जिस अकेडमी का मैं हूँ वहाँ पर सर ने एक क्लासेस रखवाई थी इंग्लिश की, कि एक दीदी आती थी हमारी, वो हमें इंग्लिश सिखाने आती थी। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि हमें इंग्लिश ऐसे बोलनी चाहिए जैसे हमारे टंग पे टॉफी रखी हुई है राउंड करके, वो सब मतलब बचपन में बताया था उन्होंने। हाँ जी, तो एक लड़का था, दीदी ने उससे पूछा कि ये क्या रखा हुआ है, तो उसने बोला वाटर। दीदी ने बोला वाटर नहीं, वाटर, 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 वाटर। तो दीदी ने बोला अच्छा चल, वो कह रहा वाह, मतलब वो पिक ही नहीं कर पाया। मैं कह रहा हूँ भैया उसके बाद क्लास ही नहीं हुई हमारी। जैसे हमारा एक दोस्त था, अब वो बड़ा पॉपुलर एक्टर हो गया है पंजाबी फिल्मों में, वो कोई वैसे फॉरेनर दिखी कॉलेज के दिनों की बात है, तो उसने बोला मेरे को फोटो लेनी है, तब ज़्यादा मोबाइल वाइल होते नहीं थे तो कैमरा था, तो कैमरा भी उसी गोरी का ही, मान लो ले भी लेंगे फोटो तो रहेगी तो उसके पास। कहता वन फोटो, वो गोरी वो अच्छा लगा उसने, सरदार लड़का पगड़ी वाला, उसको लगा चल खिंचवाते फोटो, तो ले ली फोटो, तो उसको लगा कि मेरी ना शायद आँख बंद थी ऐसा कुछ, कहता कुछ तो हुआ है, तो कहता अब उसने दूसरी फोटो के लिए बोलना था, उसको बोला ना आए कि कैन वी हैव अनदर फोटो, कहता सेकेंड फोटो। हाय कैसे आप लोग, वेरी नाइस, हाय क्यूटी पाई, वेरी नाइस। आज बैट बॉल वाले आए, कितना अच्छा बातें भी किया इन लोगों ने ना, बहुत मजा आया आप लोग को देख। आप लोग दुबई गए ले थे ना? अरे तो आते आते मेरे लिए एक शेक ही ले आती। ये बात तो उस दिन नेहा कक्कड़ को भी बोल चुकी है। हाँ तो तू भी तो हर गेस्ट को बोलता है हेलो एंड वेलकम, आइए विराजमान होइए, मैं कुछ बोली क्या तेरे को? मैं ऐसा रिपीट बात करती तो इसको प्रॉब्लम हो रही है, मैं बात करती तो मेरे को डांटता ही है हमेशा। खैर लेकिन मैं आप लोग का ना ये क्रिकेट का ट्रेलर देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ ये मैच कब रिलीज हो रहा है आपका? मैच रिलीज नहीं करते, वो पहले खेल चुके हैं। खेल चुके? हाँ। तो अभी बात क्या करेगी मैं इनसे? नहीं ऐसा कंफ्यूजन रहता है, खेल चुके तो मतलब बात क्या होगी अभी ना? क्या प्रमोशन होगा? अरे इन्होंने बॉल के साथ साथ मेरा दिमाग भी घुमा डाला रे कपू। खैर अक्षर किधर गया? हाँ इधर अक्षर पटेल, आप अकेले आए, आपका भाई नहीं आया साथ में? इनके भाई कौन? पार्थिव पटेल। वो इनके भाई थोड़ी है, लेकिन पटेल तो है ना। हाँ तो जरूरी थोड़ी हर पटेल पटेल का भाई हो। अभी तू बोलेगा आशुतोष राणा नीतीश राणा का भाई नहीं है? नहीं है। नहीं है ना? क्या हो गया हमारे देश को? पटेल पटेल का भाई नहीं, राणा राणा का भाई नहीं, क्या चल रहा है हमारे देश में? ऐसे थोड़ी एकता बना के रखो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। खैर अक्षर मैं ना आपके लिए कुछ लिख के लाई थी। क्या? ढाई अक्षर प्रेम के। अरे तेरे को मालूम है कप्पू, जब क्रिकेट लाइन में आए ना, हाँ? उससे पहले हम लोग का गोला गपची था। क्या था? अपना कब हुआ? आए थे ना आप मेरे को मिलने को आते थे, भूल के अभी नर्वस होते हो, तब मैं नर्वस होती थी मालूम है। मैं अरे आते थे ना, अरे क्रिकेट का गली छोड़ो पूरा शहर की गली में हम लोग फेमस थे। अच्छा? हाँ मेरे पास तो प्रूफ भी है कप्पू। क्या प्रूफ लाई लिए? ये डर गए, मैं इधर ऐसा करी ना डर गए। फोटो हम लोग का। फोटो? हाँ भूल गए आप?
ये तो सिर्फ बीच की फोटो है। तो मैं चाहती नहीं ना हमारे बीच में कोई आए। और राहुल तेवतिया कैसी रही आपकी रतिया? ये जिन लोग का सरनेम ऐसे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं ना, बातें बनाने में बहुत टाइम जाती है। हाँ बहुत बैठे थे हम लोग, पूरी रात बैठे हम लोग, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। लेकिन एक और फालतू बात बनाई मैंने। क्या? अच्छा जब आप गांव में जाते हैं, हाँ जी, तो आप खटिया पे सोते हैं कि तेवतिया पे सोते हैं? खटिया पे तो बचपन से सोते ही आ रहे, तेवतिया पे नहीं सोते? तेवतिया खटिया पे सोता था। तेवतिया, हाँ जी। उधर क्या देख रहे? अभी कितना सीधा साधा ना, ऐसे नीचे देख के ऐसा हंसता है। स्टेज के पीछे मेरे को साली साली बोल रहा था। क्यों? अभी कृष्णा की बहन से शादी के तो साली साली बोलेगा ना मेरे को। ये तो फिर भी ठीक है, ये इतने सीधे लग रहे कपू। हाँ। इतना स्माइलिंग करे पीछे, मालूम ये मेरे को क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? बोलते शूटिंग कब चालू होगी। हाँ? तो इसमें क्या गलत बात है? तो मैंने कब कहा कोई गलत बात की, मैंने तो सिर्फ बोला कुछ बोल रहे थे मेरे को। अच्छा गलत, देखो कोई गलत नहीं, मेरे को क्रिकेट में थोड़ी बहुत चीजें हैं वो मेरे को थोड़ी सी गलत लगी ली, उसका प्रॉब्लम है। क्या? अभी जैसे सिली पॉइंट रहता है। हाँ। कवर रहता है। हाँ। गली रहती है। अब इन लोग की गली देखो एकदम सुनसान, एक ही आदमी खड़ा है उधर गली के अंदर। ऐसा कोई गली होता है? हमारा नाला सोपारा का गली देखो कितना भीड़ रहती है। मैं चाहती है कि आप लोग का जो गली रहता है ना, उसमें वो क्या रहता है, वो पाव भाजी का और थोड़ा ये सेव पूरी का दुकान डालो चार पांच। वो खड़ा होता है गली पे। गली पे खड़ा रहता है, सेव पूरी का दुकान डालना उधर। मैं डालता। हाँ, गली एकदम चटपटी हो जाएगी, नहीं तो अभी बहुत अटपटी लगती है रे कप्पू। सपना हो गया तेरा, चल जा अभी तो। नहीं नहीं ऐसे कैसे जाएगी, अभी मेन तो अपना काम धंधे का बाकी है ना। क्या? हमारा मसाज, हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। तो आपके लिए क्रिकेट वाले तो कीपर मसाज रखे ले हमने। इसमें क्या होता है? उसमें कह रहे थे कस्टमर आता है, फिर उसको बोलते है की निकाल तेरा, गाड़ी का की, घर का की, तिजोरी का की, कबाट का की, ऐसा सब की लेते और की पे तेल लगाते। अच्छा। और की को ऐसे नीचे रखते फिर? और कस्टमर को की पर लिटा के मसाज करते। कीपर मसाज। कीपर। अच्छा फिर हमारे दूसरा मसाज है नो बॉल मसाज। अच्छा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग? हम लोग कस्टमर का पूरा बॉडी पे तेल लगाते हैं। अच्छा। फिर हम लोग देखते हैं कि नौ बाल किधर है उसके। तो क्या करते फिर? जिधर जिधर नौ बाल रहते हैं ना। हाँ। उधर ही मसाज करते हैं हम लोग, ऐसा हमारा नौ बाल मसाज रहता है। चलो मैं जाती है। वो अर्जुन है ना अर्जुन। हाँ? उसका तुंगा वापस करने को जाने कह रहे हैं। मेरे फोन कर करके तुंगा कर डाले रहे उसने। मैंने बोला इससे पहले मैं पंगा करूं मैं लाके देगी तेरे को तुंगा। अभी मेरी बहन की बेटी की शादी है, उधर मेरे को तुंगा लगेगा ना कपू। तुंगा क्यों लगेगा? क्यों? अरे उधर गाना गए तुंगा तुंगा तेरे तुंगा, उधर मैं नाचेगी ना। अरे खेरे मेरे को ऐसा किया ना, मेरे को डांस करने का बहुत मन हुए ले रे कुछ अच्छा। हाँ हाँ आ जाओ, मैं सिखाती हूँ आप लोग। नहीं ऐसे डरने का नहीं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा लेकिन मेरे स्टाइल में करने का, आ जाओ। ओ एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे चैंपियंस के लिए, आइए प्लीज। रवि, राहुल, अक्षर, नितेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके, और आपके जितने भी आने वाले फ्यूचर मैचेस हैं, जितनी भी सीरीज हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अच्छा अच्छा खेलते रहें और हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वी लव यू। थैंक यू। थैंक यू। और आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त दो गज की दूरी जरूर रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ जरूर सैनिटाइज करें। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.